नमस्कार, माय डिश माय जायका डॉट कॉम में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है केले का हलवा। केले का हलवा बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। केले को वैसे तो डायरेक्ट भी खाया जाता है, बनाना मिल्क शेक बनाकर भी पिया जाता है, फिर भी अगर केला किसी को पसंद नहीं है तो उसे इस तरह से हम केला आसानी से खिला सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर बेल बटन को प्रेस करें और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो चलिए, 500 ग्राम मैंने यहाँ पर केले लिए हैं, 4 केले मैंने यहाँ पर पके हुए केले यूज किए हैं। कच्चे केले से भी हलवा बनाया जाता है, बट मैंने यहाँ पे पके केले से हलवा बनाया है। 100 ग्राम मैंने यहाँ पर शुगर चीनी लिया है। केले और शुगर की क्वांटिटी को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि केले के अंदर ऑलरेडी शुगर होता है, इसलिए हमें चीनी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम केले लिए हैं, तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम ही शुगर यूज किया है। 1 कप मैंने यहाँ पर फुल क्रीम दूध लिया है। 50 ग्राम मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है। ड्राई फ्रूट्स में हम अपने मनपसंद से यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर किशमिश, बादाम और काजू और इलायची पाउडर यूज किया है। केले का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो केले हैं इन्हें हम छीलेंगे। इस तरह से केले को छीलेंगे, एक ब्लेंडर जार लेंगे और उसके अंदर केले को छोटे छोटे टुकड़ों में हम कट कर देंगे, क्योंकि हमें केले का पेस्ट बनाना है, केले को ब्लेंड करना है। इसलिए इस तरह से सभी केलों को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे, जिससे कि पीसने में आसानी हो, या फिर हाथ से भी हम इसे तोड़ सकते हैं। इस तरह से छोटे टुकड़ों में सभी केलों को इस तरह से मैंने सभी केलों को इस तरह से कट कर लिया है। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल देंगे। अगर हम केले को इस तरह से भी पीस सकते हैं, पेस्ट बना सकते हैं, तो बना लें, अदरवाइज इसके अंदर हम थोड़ा सा दूध ऐड कर दें, जिससे कि केले को पीसने में आसानी होगी। कवर कर देंगे और ये हमारे केले का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। देखिए, केले का हलवा बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे या फिर एक पैन लेंगे, उसे गैस पे रखेंगे और उसके अंदर हमने जो घी लिया है उसमें से आधा घी डाल देंगे। घी देखिए अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर हमारे पास जो केले का पेस्ट है इसे डाल देंगे। और इसे मिक्स करेंगे, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे घी के अंदर, और इसे रेगुलर चलाएंगे, जिससे कि पैंदे में केला है चिपके नहीं, क्योंकि केला है कढ़ाई के पैंदे में चिपकता है, इसलिए इसे हमें लगातार चलाते रहना है। और केले से अच्छी खुशबू आने तक और गोल्डन ब्राउन होने तक, हल्का सा जैसे केले का कलर चेंज हो जाएगा, तब तक हम इसे इसी तरह से भूनेंगे। गैस का फ्लेम लो रखना है और इस तरह से रेगुलर चलाते हुए हमें इसे भूनना है। केले में ज़्यादा घी की जरूरत नहीं होती है, आप चाहे तो कम घी में भी हलवा बना सकते हैं। चलाते हुए हमें इसे भूनना है इस तरह से। देखिए केले का कलर चेंज होने लग गया है हल्का सा, लेकिन अभी ये पूरी तरह से पका नहीं है, हमें इसे और पकाना है। कच्चे केले का जो हम हलवा बनाते हैं थोड़ा खुला खुला दानेदार हलवा बनता है, लेकिन अगर हम पके हुए केले का हलवा बनाते हैं जैसा कि मैंने बनाया है, तो सेम ऐसे ही हलवा बनता है जैसे कि हम आटे का हलवा बनाते हैं, थोड़ा चिकना। आप देख सकते हैं और
हलवा कब पककर तैयार होता है केला, इसकी पहचान के लिए हम जब तक इसे पकाते रहेंगे जब तक कि कढ़ाई से केला है छूटने नहीं लग जाता है, अलग नहीं होने लग जाता है, तब तक हम इसे पकाएंगे। देखिए हलवा गाढ़ा होने लग गया है लेकिन अभी पूरी तरह से पका नहीं है। और अगर हमें हलवे का कलर चेंज करना है तो हम इसमें थोड़ा सा 1-2 पिंच येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, उससे हलवे का जो लुक है बहुत ही अच्छा आता है। देखिए कढ़ाई से केला है अलग होने लग गया है। देखिए लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं पका है, हमें और इसे पकाना है। आप देख सकते हैं कि केले का कलर चेंज हो गया है और कढ़ाई से भी केला है अलग होने लग गया है। तो अब हम इसके अंदर चीनी डाल देते हैं। चीनी का हमें ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा चीनी नहीं डालनी है क्योंकि केले के अंदर ऑलरेडी शुगर होता है इसलिए। और फिर से हम अब इसे मिक्स कर देंगे। और 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे और पकाएंगे। गैस का फ्लेम हम लो से मीडियम पे कर देंगे। चीनी हमारी है हलवे के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से हलवे के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसलिए जरूर डालें। चीनी को पकते हुए 2 मिनट हो गए, तो अब हम इसके अंदर हमारे पास जो घी है उसमें से थोड़ा सा घी और डालेंगे, 1 टेबलस्पून घी, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से और अब हम इसे 2 मिनट और पकाएंगे। चलाते रहना है क्योंकि हलवा है, जब तक हम हलवा बनाएंगे तब तक ये चिपकने की क्वांटिटी में रहता है, इसलिए इसे जब तक अच्छे से एकदम अलग नहीं होने लग जाता है तब तक हम इसे पकाते रहेंगे और चलाते रहेंगे। इस तरह से केले का हलवा है 500 ग्राम केले से हमने बनाकर तैयार करा है और ये 3 से 4 लोगों के लिए काफ़ी होता है। जब भी कुछ स्पेशल खाने का मन हो तो हम केले का हलवा बना सकते हैं। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, किशमिश, काजू, बादाम, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम गार्निश के लिए रखेंगे और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए हमारा केले का हलवा है बनकर रेडी है। हम इसमें ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं और ये हमारी हेल्दी और स्वादिष्ट
केले का हलवा रेसिपी बनकर रेडी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, प्लेट में निकाल कर और अब हम इसे गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से। तो ये हमारा केले का हलवा बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर बेल बटन को प्रेस करें और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।